उम्र लगभग 17 से 18 साल का उम्र था, 17 से 18 साल का उम्र था। वह पढ़ाई में हर क्लास में टॉप करता था, पहली क्लास में टॉप किया, दूसरी में, चौथी में, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं में टॉप कर गया। हर क्लास में टॉप करता गया, एक भी ऐसा क्लास नहीं जिसमें टॉप नहीं किया हो। टॉप करता गया, टॉप करता गया, टॉप करता गया। घर से जितना इनकम बनता था लोग दे भी देते थे। क्यों दे देते थे जानते हो? टॉप कर रहा, पढ़ाई कर रहा लड़का, पढ़ाई करेगा ना तो पैसा मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, कुछ भी करने के लिए मालूम, हर कदम पर मिलेगा, क्योंकि आप हर क्लास में क्या करते चल रहे हो, टॉप करते हो। आ करता गया, टॉप करता गया, लेकिन जैसे ही कॉलेज में आ गया दोस्तों, जैसे ही कॉलेज में आ गया, कॉलेज में जाते ही उसके दोस्त यार मिल गए। ज्यादा ज्यादा क्या मिलना शुरू हो गए? दोस्त यार मिलना शुरू हो गए। जैसे दोस्त यार मिलना शुरू हो गए, पार्टी इंजॉय करना शुरू कर दिया, इतने ज्यादा ज्यादा पार्टी, और घर से तमाम पैसा मांगना शुरू कर दिया इतने ज्यादा ज्यादा। तो ऐसे उनके घर वाले देखना शुरू, इसके पहले पढ़ाई तो कर रहा था लेकिन इतना दूर का खर्च नहीं कर रहा था, इतना पैसा नहीं मांग रहा था, लेकिन जैसे ही कॉलेज में गया शायद लग रहा है खर्चा बढ़ गया, मांग रहा दे दीजिए। लेकिन घर वाले ने देखा कि ये पैसा मांग रहा है, अच्छा देखिए इसका सही यूज कर रहा है कि नहीं। उन्होंने देखा कई बार पैसा देखा तो, लेकिन उन्होंने देखा कहीं पार्टी में खर्चा कर रहा है, कोई कहाँ खर्चा कर रहा है, मतलब फिजूल का खर्च करना शुरू हो गया। उसके घर वाले एक बार समझाए कि देखो बाबू आप सही हो, पढ़ने में बहुत तगड़े हो। तो लड़का डांट दिया कि आप हमारे से तेज है क्या? हम 8 से लेकर 12 तक एकदम टॉप बनते चले आए, हमारे साथ बुद्धिमान आप है, बताइए। तो पेरेंट्स से लोग क्या हुए, शांत हो गए, ठीक है बाबा हम जानते हैं आप करते चले आए, आपकी बुद्धि हमारे तगड़ा है, लेकिन हमारा जो फर्ज था वो हम समझा रहे हैं, बात मान जाइए, नहीं तो आपका ये जो लेवल है ना बहुत डाउन हो जाएगा। लड़का बोला ठीक है, हमारे से ज्यादा आप बुद्धिमान नहीं है, मेरे पास जो पावर है वो मैं समझ रहा हूँ, मेरे साथ क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है मैं ये समझ रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आया, एग्जाम में आते ही सब एग्जाम में टॉप कर गया, लेकिन जब में क्या हो गया, वहाँ फेल हो गया। एक सब्जेक्ट में क्या हुआ, फेल हो गया। एक सब्जेक्ट में फेल होते ही जानते हो जो आईटी पहले का बना था 1 से 12 लेवल का, हर क्लास में टॉप करता, आज वो टॉप कहाँ चला गया, डाउन पे चला गया। जैसे ही डाउन पे गया तुरंत बुद्धि खुल गया, तुरंत बुद्धि खुलते ही मोबाइल स्विच ऑफ, घर पे जाना बंद, घर से पैसा लेना बंद, हर चीज बंद, कमरे में एकदम क्लोज हो जाना, अपने आप को एकदम डिप्रेशन में डाल देना, एकदम डिप्रेशन में डाल देना कि मेरे साथ क्या हो गया। जो आज टॉप करने वाला लड़का था, जो चैलेंज करता था एकदम हर चीज में, जब तक तो लग रहा है कॉलेज बात एकदम समझाई होते क्या होता। अपने आप को 10-15 दिन तक कैद करके रखा अपने घर में, बाहर नहीं निकलने का प्रयास किया, घर में खाना पीना हर चीज, बाहर नहीं जाता था घूमने के लिए, किसी दोस्त के पास नहीं मिलता था, सब क्लोज। तो ऐसे देखते देखते वो जहाँ पे पढ़ रहा था वो लड़का, उसके प्रिंसिपल को पता लगा कि ये लड़का बहुत डिप्रेशन में हो गया है, किसी का बात नहीं सुन रहा है, घर तक नहीं फोन उठा रहा है, मैं किसी लड़के का फोन उठा रहा है, मैं बाहर जा रहा है, मैं घर जा रहा है, मैं पैसे ले रहा है, जो पैसे बस उसी में कर रहा है। तो प्रिंसिपल साहब किसी लड़के से बुलवाया कि प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया था, लेकिन वह प्रिंसिपल जो थे प्रिंसिपल ऑफिस में ना बैठ कर एक कैंटीन में बैठे हुए थे, अलाव के माध्यम से अपने हाथ को क्या कर रहे थे, सेक रहे थे। अच्छा वो लड़का बहुत जिद करने पर चला गया, तो लड़का आया था बनाने के लिए कि प्रिंसिपल सर बुला रहा था, प्रिंसिपल का बुलावा तो भाई अब जाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ हाल में। अच्छा प्रिंसिपल जी वहाँ पे बैठे हुए थे, अब ये लड़का गया वहाँ पे, ठीक है जस्ट अलाव के पास सेक ही गया। अब जाने के बाद क्या हुआ, प्रिंसिपल से पूछे क्या हुआ बाबू, बहुत डिप्रेशन में दिख रहे हो। तो लड़का जानते हैं वो कुछ बोलता नहीं है ना जवाब देता है, और एकदम तक लगभग आधे घंटे तक तो 10-15 मिनट तक पूछता है, तो प्रिंसिपल साहब को कुछ समझ नहीं आता नहीं। प्रिंसिपल साहब बोलते हैं ये बहुत गहराई में चला गया, बहुत डिप्रेशन में चला गया, कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो आधे घंटे के बाद प्रिंसिपल साहब जानते हो क्या करते हैं, जो अलाव से हाथ सेक रहे थे वहां से एक कोयले का टुकड़ा लिया जो जलता हुआ था, उसको
ऐसे उठाया और पानी में डाल दिया। इतने में वो लड़का बोल उठा, इतने में वो लड़का बोल उठा, सर आप क्या कर रहे हैं, जलते हुए आग को आप बुझा क्यों रहे हैं? अरे आप गलत कर रहे हो, हम लोग ठंडी चल रहा है, हम लोग सीखने के लिए आए हैं, आप मुझे बुलाए ठीक है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा इसमें डिप्रेशन बहुत हाई है और मैं डिप्रेशन का शिकार भी हो चुका हूँ, शायद मेरा बचना नामुमकिन है। तो प्रिंसिपल साहब जानते हैं क्या बोलते हैं, बाबू घबराइए नहीं, मैं जो किया हूँ आपके लिए किया, मैं जो किया हूँ आपके लिए किया हूँ। कैसे प्रिंसिपल साहब जो पानी में डाले हुए थे कोयले को जो जल रहा था, अब उसको उठाया उन्होंने और फिर से उसे अलाव में डाल दिया, अलाव में डाल दिया ही वो फिर से भटकना शुरू हुआ, फिर से भटकना शुरू हुआ। तो प्रिंसिपल साहब समझाए, देखो बाबू ये कोयले का उदाहरण से मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली किसी को समझाते हैं समझ नहीं पाता है हमारी बात, जब तक हम रिलेट नहीं करते, इसीलिए हमारी पढ़ाई जो दोस्तों चल रहा है वह रिलेटिव पढ़ाई है, रिलेटिविटी। अगर हम रिलेटिव नहीं बनेंगे तो हम समझा नहीं पाएंगे, ना ही कुछ कर पाएंगे। तो बोले कैसे आप ये किए, बोले कि देखिए आप पहले ज्वाला की तरह धधक रहे थे, एकदम बहुत अच्छे लेवल से चल रहे थे, पहली क्लास से लेकर बारहवीं क्लास में एकदम ज्वाला में थे, जैसे ही आप गलत संगति पकड़ ली है, आपके गलत दोस्त हो गए, वो आपको बुझाने वाले थे, मतलब पानी से एक प्रकार से आपको आग लगाने वाले आपके घर वाले ही थे, आपको जो सफलता पाने का एक मंत्र था वो आपके पास घर वाले थे जो आपको मोटिवेट किए हुए थे पढ़ाई करने के लिए। तो आप इस कोयले की तरह बुझ गए हो जिसका कीमत खत्म हो जाता है, कीमत तब होगा जब आप जलोगे तब। तो उसको समझ में आया, फिर से हमें तपस्या करना पड़ेगा, हमें फिर से मेहनत करना पड़ेगा, फिर से हमें जलना पड़ेगा, फिर से वह जला अपने आप को, मतलब फिर से मेहनत करना शुरू किया और फिर से लेवल एकदम हाई लेवल में अगर वही संगति अपनाया होता तो फिर आगे भी होता। तो दोस्तों इस कहानी का एक ही सारांश है, यदि आप अपने जीवन में बूझ गए हो तो अपने अंदर आग लगाने की चेष्टा लाओ, इसलिए बात यहाँ पे बोला गया है। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, करो तो कमाल का करो, नहीं तो मत करो, आप जैसे जी रहे हैं ऐसे जिंदगी जीना, तो दोस्त हर कोई सिखाए जैसे आप जीते हो, करो तो कमाल का करो, नहीं तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, जहाँ राह होती है वहाँ मंजिलें होती है, मौका देती है मेहनत, मौका देती है।